वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आजकल यूपी में एक रहस्यमय बुखार का बहुत खतरा फैला हुआ है या बहुत प्रकोप फैला हुआ है। कुछ दिन पहले खबरों में ये आया था कि यूपी के फिरोजाबाद जिले में 10 दिन के अंदर 53 लोग, जिसमें 45 छोटे बच्चे थे, उन्होंने इस बुखार की वजह से दम तोड़ दिया। तो क्या है ये बुखार, क्या है इसके सिम्टम्स, प्रिकॉशंस, और कैसे बचा जा सकता है इससे, इसके लिए क्या दवाएं हैं और क्या टेस्ट है, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी में लगातार आ रही खबरें कि रहस्यमय बुखार से बहुत सारे छोटे बच्चे और बड़े लोगों ने भी अपनी जान गंवा दी। पहले ये लगा कि ये कोई रहस्यमय बुखार, लेकिन धीरे धीरे जब इसके सिम्टम्स की स्टडी की गई तो पाया गया कि ये कोई नया बुखार नहीं, असल में ये डेंगू है या डेंगी। डेंगू या डेंगी एक प्रकार का मच्छर जिसे एडिस इजिप्टी कहते हैं के द्वारा फैलता है। ये मच्छर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग सभी देशों में पाया जाता है। ये वायरस होता है जो कि एडिस इजिप्टी मच्छर के द्वारा, या एडिस इजिप्टी मच्छर जिसका कैरियर होता है, ये वायरस होता है DENV। ये चार तरह के होते हैं, DENV 1, 2, 3 और 4। ये एक तरह की इंफेक्शियस डिजीज है जो कि मच्छर के काटने के अलावा भी और कई तरीकों से फैलती है। इस डिजीज के फैलने के चार तरीके हैं। पहला बहुत ही कॉमन है कि ये एक मच्छर के काटने से किसी भी इंसान के अंदर संक्रमण फैलाता है। दूसरा, ह्यूमन टू ह्यूमन, कोई व्यक्ति है जिसे डेंगू है लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं है, और वो इस दौरान अगर अपना रक्त या अंग दूसरे व्यक्ति को दान कर देता है तो इससे भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डेंगू का संक्रमण फैल जाता है। तीसरा, कोई व्यक्ति संक्रमित है, उसे अगर ये एडिस इजिप्टी नामक मच्छर ने काट लिया तो ये वायरस इस मच्छर के अंदर आ जाएगा और फिर कुछ दिन बाद ये वायरस का असर इस मच्छर के सलाइवा ग्लैंड में हो जाएगा, और जब ये मच्छर किसी अच्छे या स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो ये वायरस उस मच्छर से उस स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसमिट हो जाएगा। मतलब ह्यूमन टू मॉस्किटो देन ह्यूमन। ये तीनों प्रकार के ट्रांसमिशन हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन कहलाते हैं। इसके अलावा चौथा टाइप होता है, जब कोई गर्भवती महिला की भ्रूण के विकास के समय वो संक्रमित हो जाए, तब वो महिला अपने बच्चे में भी ये वायरस ट्रांसमिट कर देती है। इस प्रकार के ट्रांसमिशन को वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। डेंगू बुखार के सिम्टम्स नॉर्मली बुखार जैसे ही होते हैं। ये बुखार 4-5 दिन से 10 दिन तक रहता है, लेकिन इसका पता करने के लिए कि ये किस टाइप का फ्लू है, डॉक्टर्स ब्लड टेस्ट करते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स नॉर्मली फ्लू के जैसे ही होते हैं, जैसे तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, बदन में दर्द, उल्टी और बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होना इत्यादि। इस वजह से डॉक्टर जिस वक्त बुखार से पीड़ित व्यक्ति उल्टी या दस्त कर रहा होता है उसे बहुत ज्यादा पानी पीने की सलाह देते हैं डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। इसके डायग्नोसिस के लिए कौन से टेस्ट होते हैं? इसके डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर दो तरह के टेस्ट करते हैं। एक होता है IgM टेस्ट। इस टेस्ट में ब्लड में ये देखा जाता है कि कितने एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहे हैं। असल में जब हमें कोई पैथोजन इफेक्ट करता है तो हमारी ब्लड में उसके विरोध में एंटीबॉडीज बनते हैं, और जब ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी बहुत ज्यादा मात्रा में बनते हैं तो ये डिटेक्ट किया जाता है कि जरूर कोई वायरस या पैथोजन ने इन्फेक्ट किया होगा। दूसरा टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट, जिसका पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इस टेस्ट में भी एंटीबॉडी को ही देखा जाता है कि ब्लड में कितनी अधिक मात्रा में एंटीबॉडी उपलब्ध है। इस वायरस या फीवर के लिए बहुत सारी दवाएं उपलब्ध हैं। नॉर्मल फीवर जैसा ही होता है और इससे उपलब्ध दवाओं से ही ठीक भी हो जाता है। सीवियर कंडीशंस में डेंगू से पीड़ित व्यक्ति के प्लेटलेट्स बहुत तेजी से कम होते हैं, जिस वजह से ये घातक भी हो जाता है। कई देश ऐसे हैं जहां इसकी एक वैक्सीन दी जाती है। उस वैक्सीन का नाम है डेंगवैक्सिया। ये वैक्सीन हमारे भारत में नहीं दी जाती,
क्योंकि अभी तक ये प्रूफ नहीं हो पाया है कि इस वैक्सीन के दूसरे साइड इफेक्ट्स बॉडी पर नहीं होते हैं। हालांकि कुछ ऐसे देश हैं जहां पर ये वैक्सीन दी जाती है। अब इसके प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं? नॉर्मली देखा जाता है कि ये मच्छर के काटने से ही होता है ये डेंगू, इसलिए इसके प्रिकॉशंस में भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी जगह जहां पर पानी इकट्ठा हो सके वहां साफ सफाई रखी जाए, बॉडी के मैक्सिमम पार्ट को कवर करके रखा जाए, मच्छरदानी का इस्तेमाल किया जाए, मच्छरों से बचाव के जितने भी उपाय हो सकते हैं वो अपनाए जाएं, और बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाए, बारिश में गंदगी या पानी जमा होने ना दिया जाए। इस तरह से बहुत सारी सावधानियों को हम बरत के इस बीमारी से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।